नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं निशिता राठी कक्षा 10वीं डी की छात्रा आपके सामने अपने कुछ विचार विषय पुरुषार्थ बड़ा या भाग्य पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पुरुषार्थ और भाग्य दो ऐसे शब्द हैं जो मनुष्य के जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देते हैं। हम संसार में दो तरह के मनुष्यों से मिलते हैं, एक जो भाग्यवादी होते हैं, उनको केवल भाग्य पर विश्वास होता है और उनके लिए कार्य करना बिल्कुल ना के बराबर है। वे कहते हैं कि भगवान देंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे, और वहीं कर्मरत मनुष्य भी हैं जो कार्य करते हैं और उन्हें फल की भी प्राप्ति होती है। वो कहते हैं ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मालूका कह गए सबके दाता राम। अर्थात आलस्य मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है और मनुष्य को सफलता के लिए आलस्य को त्यागना ही पड़ता है। यही नहीं, महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी कहा है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्त का बीच उजियाली हो, जो बत्ती नहीं जलाता वो ही रोशनी नहीं पाता। आधुनिक युग में मनुष्य ने जो उन्नति प्राप्त की है, चांद तक की यात्रा संभव की है, और ऐसे कई महान पुरुष जिन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है, वो केवल उनके पुरुषार्थ और परिश्रम का ही फल है जिसके लिए उन्हें समय भाग्य ने दिया। किंतु विडम्बना ये है कि आज कोई कार्य ही नहीं करना चाहता। फिर हम उसी बात पर आकर अटक जाते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन। मैं कहती हूँ दोनों में से कोई बड़ा नहीं, दोनों एक ही ताले की दो चाबियां हैं। जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। धन्यवाद।